हेलो फ्रेंड, टेक फोर में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज बैक गियर मैकेनिज्म, लेथ स्पिंडल पर जो बैक गियर मैकेनिज्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बैक गियर का वैसे मेन पर्पज यही होता है कि जो स्पिंडल की स्पीड होती है उसे रिड्यूस करने के लिए, स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग बैक गियर मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ फिगर के माध्यम से, कुछ एनिमेशन के मीडियम से अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बैक गियर मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को। तो इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लेथ स्पिंडल है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि ये लेथ स्पिंडल है, ये लेथ स्पिंडल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और लेथ स्पिंडल के बगल में यहाँ पर एक की, यहाँ पर की के लिए एक हब दिखाया जा रहा है। उसके साथ में ही यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, ये फिगर, ये आप लोगों को गियर को, ये जो आप लोगों का दिखाया जा रहा है तो ये आपके गियर को प्रदर्शित करता है। इस गियर को हम लोग G1 बोलते हैं जो स्पिंडल पर लगा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जो यहाँ पर पिनियन लगा हुआ है तो इस पिनियन को हम लोग बोलते हैं P1। ये पिनियन आपका, ये कोन पुली जो है, कोन पुली से अटैच रहता है। लेकिन जो आपका G1 जो गियर है, ये गियर यहाँ की के मीडियम से हम इसे कोन पुली से अटैच, इंगेज्ड और डिसइंगेज्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो गियर का ये सिस्टम बनाया गया, ये वाला जो गियर का सिस्टम है, इस सिस्टम को ही हम लोग पूरा बोलते हैं बैक गियर। तो इस सिस्टम में यहाँ पर पिनियन एक रहता है जिसे P2 बोलते हैं, और एक यहाँ पर गियर रहता है जिसे हम लोग G2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो ये आप लोगों का एक स्पिंडल यहाँ पर लगा हुआ है, इसे यहाँ पर, इसे स्पिंडल तो नहीं कहेंगे, साफ्ट कहेंगे, सॉरी। तो इस साफ्ट को हम लोग इसेंट्रिक साफ्ट बोलते हैं। ये स्पिंडल के पैरेलल होता है, ये दोनों जो साफ्ट हैं, ये एक दूसरे के, ये दोनों साफ्ट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, बैक गियर आर माउंटेड इसेंट्रिक साफ्ट एंड यूज टू रिड्यूज स्पीड। जो बैक गियर होता है उसका जो साफ्ट होता है वो स्पिंडल का जो साफ्ट होता है उसके पैरेलल होता है, पहली चीज। और बैक गियर का यूज हम लोग करते क्या है, स्पीड को रिड्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर दो प्रकार की स्पीड को हम लोग प्राप्त करते हैं, एक डायरेक्ट स्पीड होती है और दूसरी जो स्पीड हमें मिलती है वो इनडायरेक्ट स्पीड मिलती है बैक गियर के मीडियम से। तो हम लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो फिगर है, तो इस फिगर में आप लोग पूरे साफ अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि ये आपका ये गियर हो गया जिसे आप लोग बोल रहे थे G1, और यहाँ पर जो ये पिनियन है इसे आप लोग बोल रहे थे P1, और यहाँ पर बीच में आपकी ये जो है ये कोन पुली है। दूसरी चीज, जो गियर आपका G1 होता है, यहाँ पर जो गियर आप लोगों को ये G1 दिख रहा है, तो यहाँ पर इसमें पिन के की के लिए एक पिन के लिए एक कीवे बना होता है जिसमें से हम की के माध्यम से या पी के माध्यम से इसको हम इस कोन पुली में इंगेज्ड और डिसइंगेज्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी अब तक। तो यहाँ पर ये जो लीवर दिख रहा है, आप लोग ये फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो लीवर है, इस लीवर से जो आप लोगों का ये जो बैक गियर है, इस बैक गियर को इंगेज्ड और डिसइंगेज्ड कर सकते हैं। तो इसके मैकेनिज्म को हम इसी फिगर में समझ लेते हैं अभी। अब देखिए होता क्या है कि आप जब कभी भी मोटर से इस कोन पुली बेल्ट, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो मोटर है, उस मोटर की बेल्ट जो है कि हम यहाँ पर लगा करके इसको डायरेक्टली यहाँ पर इसे मूव कर रहे हैं, तो जब डायरेक्टली इसे रोटेट करेंगे तो उसे हम डायरेक्ट स्पीड बोलेंगे। उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीड बोलेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीड क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीड में ही आप लोग जो है कि बैक गियर का यूज करके स्पीड को कम कर देते हैं। अब देखिए, जब कभी भी दो गियर आपस में एक दूसरे से माउंटेड होंगे, यहाँ पर एक मान लीजिए पिनियन और दूसरा गियर जब एक दूसरे से माउंटेड होंगे, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि इन दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है वो क्या हो जाती है, जब एक दो गियर आपस में माउंटेड होते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है। अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये आपका गियर इस डायरेक्शन में घूम रहा है,
क्लाक वाइज, तो ये आपका जो होगा वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये भी आपका गियर एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन जब ये एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन इसको अपनी मोशन देगा तो ये फिर से किस में घूमने लगेगा, क्लाक वाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो यहाँ पर गियर के अनुपात को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं कि इसकी स्पीड अगर अधिक है तो इस अधिक स्पीड को यहाँ पर हम लोग स्पीड को इसके जो आपकी पिनियन है पिनियन में अटैच करा करके स्पीड को हम लोग कम कर देते हैं। स्पीड को कम करके फिर से यहाँ पर गियर, जो यहाँ पर गियर है इस गियर में वो पावर हम ट्रांसमिट करके उसी पावर को फिर से यहाँ पर इस पिनियन में हम लोग ट्रांसमिट करके इसकी स्पीड को और ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। तो ये कंडीशन कैसे होती है इसको मैं आप लोगों को अभी एक एनिमेशन में किस तरीके से बैक गियर मैकेनिज्म हो रहा है उसको अच्छे तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हम उस पॉइंट पर चलते हैं। तो आप लोग देख पाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा मैं आप लोगों का समय एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो आप लोग इस एनिमेशन में देख पाएंगे कि किस तरीके से प्रोसेस वर्क हो रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पिन लगाई जा रही है जिसे इंगेज किया जा रहा है, यहाँ पर ये इंगेज हो गया ये पिन के मीडियम से। अब देखिए आपका इस समय डिसएंगेज कंडीशन में है और ये डायरेक्ट मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लीवर यहाँ पर दबा देंगे, अब देखिए लीवर दबाया जा रहा है तो अब आपका बैक गियर इंगेज हो गया, और जब बैक गियर इंगेज हो जा रहा है और पिन को तब हम हटा देंगे। और अब देखिए आप लोगों का जो रोटेशन हो रहा है, ये गियर इसको पिनियन को यहाँ पर पावर दे रहा है और ये फिर पिनियन इस गियर को पावर दे रहा है और इस मीडियम से आप